फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही लाइट वेट रोटी, और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। जो हम जनरली रोटी खाते हैं गेहूं के आटे की, वही है, लेकिन पालक का थोड़ा सा जो ट्विस्ट दिया है और पालक रोटी बनाई है, बहुत ही टेस्टी लगेगी, ट्राई जरूर कीजिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग सीसीसी क्रिएटिव क्राफ्ट्स एंड कुकिंग बाय प्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट्स करके जरूर बताइए आज का वीडियो कैसा। पालक रोटी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पानी को बॉईल कर लिया है और दूसरी साइड पालक को धोकर रख लिया था। बॉईल किए हुए पानी में, यानी कि उबले हुए पानी में मैंने पालक को ऐड कर दिया है। फ्लेम बिल्कुल लो कर दी है। लो फ्लेम पर 5 मिनट हम इसको ढककर पकाएंगे। पानी इतना होना चाहिए कि पालक अच्छे से डिप हो जाए। 5 मिनट ढककर पकाने के बाद पालक अच्छे से पक गया था, तो अब मैंने इसको ठंडे पानी से वॉश कर लिया है। जब पालक ठंडा हो जाए उसके बाद मैं इसको करूंगी मिक्सर ग्राइंड। इस तरीके से अगर आप पालक को मिक्सर ग्राइंड करते हैं तो इसमें कड़वाहट बिल्कुल निकल जाती है। अब मैंने यहाँ पर लिया है 2 कटोरी आटा, उसमें ऐड किया है थोड़ा सा नमक। अब जो पालक हमने पीस कर रखा हुआ था, मिक्सर ग्राइंड किया था, उसको हम ऐड कर देंगे आटे में। हम यहाँ पर पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, केवल जो पालक की प्यूरी हमने बनाई है उसी का यूज करके हम बनाएंगे पालक रोटी के लिए आटा। आटा ना तो ज्यादा सॉफ्ट बनाना है ना ही ज्यादा हार्ड बनाना है। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपको ये पालक का आटा लगा लेना है। पालक जैसे हमने मिक्सर ग्राइंड किया है उबालने के बाद, ठंडा करने के बाद, तो पालक की जितनी भी कड़वाहट थी वो सब कुछ निकल गई। आटे में थोड़ा सा नमक ऐड किया है ताकि जब आप इसकी रोटी खाएं तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगे, उसमें थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर आ जाए। अगर आपको लगता है पालक प्यूरी थोड़ी सी कम पड़ गई है तो आप थोड़ा सा पानी यूज कर सकते हैं, लेकिन सफिशियंट थी यहाँ पर पालक प्यूरी, तो मैंने इसकी हेल्प से यहाँ पर आटा लगा लिया है। 20 मिनट के लिए ढककर रख दूंगी। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं आटा कुछ इस तरीके से तैयार हो गया है। अब इसको अच्छे से मलाने के बाद मैं एक रोल तैयार करूंगी और रोल से इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लूंगी। जितने साइज की हमें रोटी बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर लोई बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे आटे की लोई लगा लूंगी और अब हम इसको रोल करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि आटे की लोई सब लग चुकी हैं, कलर बहुत ही अच्छा आया है, देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। सूखे आटे का यूज किया है और रोटी को तैयार किया है। वो तो था फास्ट मोशन में, अब मैं आपको दिखाती हूँ स्लो मोशन में। हमने यहाँ पर एक लोई ली, उसको सूखे आटे में रोल किया। सूखे आटे में रोल करने के बाद आपको इसे रोटी को कुछ इस तरीके से रोल कर लेना है। आप जितने बड़े साइज की चाहते हैं उतने बड़े साइज की रोटी रोल कर सकते हैं। रोटियां पालक की बहुत ही ज्यादा फूली फूली आती हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं, खाने में बहुत अच्छी लगेंगी। ट्राई जरूर कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। एक रोटी हमने तवे पर डाल दी है, तवा अच्छे से गर्म हो गया था। उसके बाद हमने अपनी दूसरी रोटी रोल करना स्टार्ट कर दी है। इधर रोटी एक साइड से पक चुकी है तो हमने उसको टर्न कर दिया है। जब रोटी नीचे से भी पक जाएगी तब हम इसको फ्लेम पर सेक लेंगे। आप देख सकते हैं रोटी कैसे फूली फूली आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही फूली फूली और सॉफ्ट रोटी बनती हैं इस पालक के आटे की। देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेंगी, बिल्कुल डिफरेंट लगेंगी। अगर आपके घर पर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल डिफरेंट आपके खाना हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं तवे पर रोटी ऐड करती जा रही हूँ और उधर दूसरी साइड में रोटी को फुलाती चली जा रही हूँ। आप देख सकते हैं रोटियाँ कितनी फूली फूली आ रही हैं। तो है ना ये कमाल की रेसिपी, बहुत ही सिंपल था इसको बनाना, लेकिन खाने में थोड़ा सा ट्विस्ट चाहते हैं तो सिंपल गेहूं की रोटी बनाने के बजाय ये बनाइए पालक की रोटी। आपके खाने का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा आपको खाने में। टेस्ट भी डिफरेंट हो जाता है थोड़ा सा और काफी अच्छा लगता है। जो हम पालक की पूरी बनाते हैं वो तो ऑयली होती है, लेकिन अगर आप पालक की रोटी बनाएंगे तो ये हेल्दी भी होती है। पालक सर्दियों में बहुत आता है तो टेस्ट भी काफी अच्छा आ जाता है। सभी रोटी बनाने के बाद अब बारी आती है इस पर घी लगाने की। आप देख सकते हैं रोटियां कितनी फूली फूली आई हैं, तो बिल्कुल सिंपल था इसको बनाना। अब इसके बाद आप सभी रोटियों पर घी लगाकर इसको सर्व कीजिए गर्मा गर्म, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगेंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कॉमेंट सेक्शन में अपनी कोई क्वेरी है आपकी तो आप लिख सकते हैं, कोई वीडियो डिमांड है तो आप वो बता सकते हैं। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।